कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी एसिड जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड H2CO3 से ज्यादा होता है, वो सभी सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो जिनमें भी मिनरल एसिड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो, वो तो डेफिनेटली क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अब जैसे फिनॉल है, फिनॉल में भी अगर डाइनाइट्रो डेरिवेटिव है तो आसानी से, ट्राइनाइट्रो डेरिवेटिव है आसानी से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन पे आ जाएं, बेंजोइक एसिड यस प्रोड्यूस करेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी प्रोड्यूस करेगा, सैलिसिलिक एसिड ये भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्या कार्बोलिक एसिड फिनॉल, फिनॉल इट इज लेस एसिडिक, ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, ओके। तो ये कार्बोनिक एसिड नहीं बनाएगा। रिएक्शन क्या होती है, मैं एक रिएक्शन लिख दे रहा हूं, बेंजोइक एसिड है क्लियर, सी ओ ओ एच, इसकी रिएक्शन अगर हम किससे करवा दें, एन ए एच सी ओ थ्री से, तो बना क्या होगा, सोडियम बेंजोएट बना होगा, सी ओ एन ए सोडियम बेंजोएट प्लस एच टू सी ओ थ्री ये बना। तो बीक एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से बीक एसिड बन सकता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ठीक है, और ये बीक एसिड है, ये बन सकता है। अच्छा, कार्बोनिक एसिड जैसे बना, ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता है, CO2 में और वाटर में ब्रेक हो जाता है, तो हमें CO2 के बबल्स निकलते हुए दिखते हैं, इन्हीं को हम इफर्बेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ऐसे ही सल्फोनिक में देखो, SO3H ग्रुप प्रेजेंट होगा बेंजीन पे, ये फंक्शनल ग्रुप। सैलिसिलिक एसिड में आप जानते हो COH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो यही है, फिनॉल रिएक्शन नहीं करेगा, गॉट इट।